दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके तहत हमारी पहली खबर भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े फाइटर जेट टेंडर को लेकर है, जिसे एक काफी विशाल कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए यूरो फाइटर कंसोर्सियम अपनी स्ट्रेटेजी में बड़े बदलाव करने वाला है ताकि वह भारत को अपना यूरो फाइटर टाइफून सप्लाई कर सके। वहीं पर दूसरी खबर F414 इंजन को लेकर है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में अगले 3 से 4 सालों में शुरू कर दी जाएगी और इसे लेकर काफी बड़ी योजनाओं का खुलासा हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं दोनों ही खबरों को विस्तार से। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूरो फाइटर कंसोर्सियम अब भारतीय वायुसेना के साथ काम करने को लेकर काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए वे अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव करने को भी तैयार है। इसके तहत यूरो फाइटर कंसोर्सियम अपने फाइटर जेट की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ कीमत में काफी बड़े बदलाव करेंगे, क्योंकि टाइफून एयरक्राफ्ट का इकोसिस्टम अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से इसके स्पेयर पार्ट की सप्लाई भी आसान हो गई है। और यही वजह है कि यूरो फाइटर कंसोर्सियम अब भारत को यही एयरक्राफ्ट 30% से लेकर 40% तक कम कीमत पर ऑफर कर सकता है, जो इतने बड़े टेंडर में एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट कम होने की वजह से ओवरऑल डील की कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से भारत को बजट के मामले में काफी सहूलियत बढ़ेगी, जो यूरो फाइटर को राफेल पर एक काफी बड़ा एडवांटेज दे सकता है। हालांकि यहां पर यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या फ्रांस भी ज्यादा क्वांटिटी की वजह से राफेल हमें सस्ती कीमत पर नहीं दे सकता, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब भारत ने 36 राफेल फाइटर विमान के ऑर्डर दिए उसके बाद राफेल को इंटरनेशनल लेवल पर काफी सराहना मिली, जिसके बाद राफेल की सप्लाई के लिए कई बड़े ऑर्डर फ्रांस को मिल गए, जिसकी वजह से फ्रांस अब भारत को राफेल पर अतिरिक्त डिस्काउंट नहीं दे सकता और यही वजह है कि यूरो फाइटर कंसोर्सियम प्राइस को लेकर काफी ध्यान दे रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 114 फाइटर विमानों जितनी बड़ी डील में प्राइस एक काफी बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी से भी समझौता नहीं किया जाएगा, जिस पर भी टाइफून पूरी तरह से खरा उतरता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ राफेल और यूरो फाइटर दो इकलौते ऐसे फाइटर विमान थे जो भारतीय वायुसेना की सभी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम थे, जिसके बाद भारत ने प्राइस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के राफेल को चुना। लेकिन अब जब यूरो फाइटर टाइफून भी हमें 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया जा रहा है, वह भी 40% तक कम कीमत पर, तब MRFA के तहत किसी एक फाइटर विमान को चुनना काफी जटिल बन जाएगा। मतलब यूरो फाइटर कंसोर्सियम अब भारतीय वायुसेना के इस सबसे बड़े फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जो लगाने की तैयारी कर चुका है और वह एक ऐसे सेगमेंट में लड़ने की तैयारी में जुटे हैं जो भारत के लिए हमेशा से ही डिफेंस डील के मामले में निर्णायक रहा। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाकर क्या राफेल को यूरो फाइटर से कड़ी टक्कर मिलती है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर F414 इंजन को लेकर है, जिसकी डील से जुड़ी अब कुछ काफी बड़ी जानकारियां निकल कर सामने आ चुकी है और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर हमें अमेरिका के ये एडवांस फाइटर जेट इंजन भारत के अंदर स्वदेशी रूप से बनते नजर आएंगे, जो डिफेंस के क्षेत्र में भारत की एक काफी लंबी छलांग को दर्शाएगा। बता दें कि शुरुआती दौर में भारत हर साल मात्र 6 से लेकर 7 F414 इंजन ही भारत के अंदर बना सकेगा, पर जब आगे जाकर हम इन्हें तेजस मार्क 2 और MCA के लिए तैयार करेंगे तब इसके प्रोडक्शन को काफी तेज करते हुए हर साल 1 दर्जन इंजन तक बनाए जाएंगे, ताकि हम इस इंजन की सप्लाई को अपने फाइटर जेट प्रोग्राम की टाइमलाइन के साथ मैच कर सके, जो फिलहाल भारतीय वायुसेना की क्षमता को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस इंजन की 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग संभव हो सकी। इतना ही नहीं बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को कुछ इंजन पहले ही सप्लाई कर दिए हैं ताकि हम तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप में इनका इस्तेमाल कर सके और आगे भी जब हम अपने प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करेंगे तब हमें जनरल इलेक्ट्रिक का पूरा समर्थन रहेगा, ताकि इस इंजन की टाइमलाइन, एल्गोरिथम और मेंटेनेंस को लेकर अगर कोई भी परेशानी आती है तो हम दोनों से साथ मिलकर जल्दी से जल्दी ठीक कर सके, ताकि भारतीय वायुसेना को अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट समय पर मिल सके, जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एविएशन के क्षेत्र में आने वाले 3 से 4 साल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसके दौरान हम कई नई और जटिल टेक्नोलॉजी को देश के अंदर स्वदेशी बनाने की कोशिश करेंगे और नए फाइटर जेट स्क्वाड्रन का भी निर्माण करेंगे, ताकि हम हमारे हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए चीन और पाकिस्तान पर बड़ा एडवांटेज हासिल कर सके। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से राफेल और यूरो फाइटर टाइफून में से भारत को किसके साथ 114 फाइटर विमानों के टेंडर में जुड़ना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।